भारत सरकार और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभियान में शामिल ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त गांवों को करना एक महत्वपूर्ण चुनौती में शामिल अधिकारियों ने कर लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद को पूर्ण रूप से शौच मुक्त करने के उद्देश्य से पूरे जनपद में टीम वर्करों का चयन किया गया। यह टीम वर्करों को टीम के रूप में कार्य करने के लिए मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में टीम वर्करों के लिए गांव वालों को समझाने के तौर तरीके के बारे में बताकर शपथ दिलाई गई कि जनपद के प्रत्येक गांव को शौच मुक्त कराना है और भारत सरकार के सपनों को पूरा करना है, और कहा कि यह सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। मंडल आयुक्त ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि यह अभियान दोनों सरकारों के मुख्य अभियानों में शामिल है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने का मतलब होगा पूरा प्रदेश और देश शौच मुक्त होगा। ये सफलता के आभार मंडल में हम लोग ये पिछले हुए हैं यहाँ पे संभल जिले में। इसी के लिए जो है अभी वाटर सैनिटेशन कंपनी के श्री विनोद मिश्रा जी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और हम लोग जो आज तमाम प्रधान और इसमें स्वच्छता अभियान में अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ आज गोष्ठी किया, पूरी तकनीकी बातें भी समझाई गई है और विभिन्न जगह पे जो अभियान चला वहाँ पे क्या क्या तकलीफ है, कैसे इसको सफल बनाया जाए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, वो सब आज बता दिया गया। इसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हुए उसको हर तरीके का सहयोग दिया जाएगा इसमें, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं उसको संसाधन भी दिया जाएगा, जो बाकी लोग जो जिनके पास संसाधन युक्त है उनको प्रेरित किया जाएगा, और जो व्यक्ति उड़दंग मचाएगा, कोई व्यक्ति जो नशेड़ी शराबी जो काम में इस तरह के अच्छे अभियान में जो अड़ा उसमें बैरियर लगाता है, जो उसमें विकृतियां फैलाता है, या कोई इसमें करने वालों को परेशान करता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। तो हर तरीके से समग्र रूप से उसको प्रयास करते हुए संबल को पूरी स्वच्छता मिशन को सही ढंग से लागू करते हुए इसको सारे शौच मुक्त खुले में शौच मुक्त कराया जाए।